कमाल है यार, इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो और इन कपड़ों में समझाऊंगा। चलो थोड़ा कपड़े चेंज करते हैं। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना। अब वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे एक्सेल में पाइथन का ऑप्शन आ चुका है, पर आपके आया है? नहीं आया। चलो ऐड कैसे करते हैं पाइथन को एक्सेल में सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने एक्सेल का ये जो फाइल है ना, फाइल फाइल के ऑप्शन को क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा अकाउंट, अकाउंट के ऑप्शन को भी क्या करना है, हमें क्लिक करना, मतलब ओपन करना है। जब हम इसको ओपन कर देंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा, पक्का आ जाएगा ना। यस, आ जाएगा अकाउंट को ओपन करने के बाद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा अपडेट। सबसे पहले आप जो एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं ना, उसको अपडेट कर लें यहाँ से, ठीक है। जब आपका एक्सेल अपडेट हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट 365, इसको क्लिक करना है, ठीक है। जब हम इसको क्या कर देंगे, क्लिक करें तो ये दिखाई दे रहा है चेंज का ऑप्शन आ रहा है ना, चेंज चैनल, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना अच्छा इंटरफेस आया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है बीटा, क्या दिखाई दे रहा है बीटा। इस बीटा के ऑप्शन को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यहाँ बीटा के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वैसे आप भी बीटा के ऑप्शन को सिलेक्ट करना और यहाँ पर टिक मार देना है। तो किस में टिक मारना है, यहाँ पर, ठीक है। टिक मार कर ओके दबा देना और कुछ टाइम का प्रोसेस होगा। इसके बाद आपके एक्सेल में भी क्या आ जाएगा, पाइथन ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एक्सेल पाइथन यूज़ कर पाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर देना, हम उसका सोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। नमस्कार।